नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। निर्णायक चरण पर पहुंची मोसूल की लड़ाई। आईएसआईएस सरगना बगदादी ने ऑडियो संदेश के जरिए अपने लड़ाकों से मोसूल से पीछे नहीं हटने की अपील। कहा, कुर्बान हो जाना पीछे हटने से हजार गुना बेहतर होता है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के संघर्ष विराम के आरोपों पर भारत ने किया पलटवार। कहा, पाकिस्तान खुद ही स्वाधीनता की अवधारणा का कर रहा है उल्लंघन। पाक प्रायोजित आतंकी हमलों के चलते भारतीय नागरिकों को अमानवीय स्थिति का करना पड़ता है सामना। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की बढ़ी मुश्किलें। एफबीआई ने हिलेरी के पति पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के खिलाफ जान से जुड़े 15 साल पुराने दस्तावेजों को किया सार्वजनिक। पाकिस्तान के कराची शहर में दो यात्री रेलगाड़ियों की हुई टक्कर, 8 लोगों की मौत, 35 से ज्यादा घायल। घायलों को जिन्ना अस्पताल में कराया गया भर्ती। और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगन ने अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। तुर्की की कंपनियों से की निवेश बढ़ाने की अपील। अफ्रीका की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन और कृषि विकास में होगा योगदान। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।